राम राम भाई सारे अनु, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में है, तो मैंने एक और JBL का स्पीकर मंगाया। पिछले साल हमने ग्रुप का मंगाया था, पिछले साल मैंने मंगाया था 16 वॉट का JBL फिलिप एसेंशियल, तो उसकी सेल में प्राइस 4000 थी, लेकिन नॉर्मली उसकी प्राइस रहती है 6 से 6.5 के आसपास, ऐसी कुछ रहती है। तो इस साल मैंने मंगाया है एसेंशियल 2, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मुझे ये स्पीकर अच्छा लगा तो मैं 20 वॉट का भी स्पीकर मंगवाऊंगा। तो आज मैंने वो स्पीकर सेल में मंगवा लिया है करेक्ट एक साल बाद। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो वीडियो पूरी एंड तक देख, सीरियसली बता रहा हूँ, बजटेबल स्पीकर है, मज़ा आ जाएगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ज़रूर परचेस करना, लेकिन सेल में ही करना अगली साल, क्योंकि अब उसकी रेट 5000 रुपये हो चुकी। फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, और अगर तुम्हें पिछले वाला ब्लॉग देखना हो तो वो तुम जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका भी तुम जाके रिव्यू देख सकते हो। लेकिन उसकी प्राइस भी अब 6000-7000 से कम नहीं है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और मैं तुम्हें टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ अपने एक्सप्रेस वे के पास, यहाँ पर मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है, शांति भी रहती है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर और फटाफट से करते हैं इस स्पीकर की, ये लाया हूँ, ये इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। बहुत ही प्यारा है और मैं कल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके साथ। तो फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं और चलो चेक करते हैं, आ जाओ। तो भाई ये है अपनी कुछ लोकेशन, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे टांग दिया है, ऐसे करके इसको टांग दिया है, उसकी रेंज चेक करते हैं, इसकी आवाज़ कितनी दूर तक कैसे रहती है और ओपन में कैसा रहता है। बाकी बंद कमरे में तो मैं तुम्हें कभी भी दिखा, और शुरू करते हैं और धूप बहुत तेज लग रही है, जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। कैसा लगा तुम्हें कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस चीज़ ब्लूटूथ को लेके मुझे कुछ ही अच्छी लगी, तो मैं वो बता देता हूँ कि इस ब्लूटूथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सी टाइप से चार्ज होता है। जो एसेंशियल वन हमने मंगाया था वो होता था USB पोर्ट से, तो बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन इसमें सी टाइप पोर्ट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती चार्जिंग में। और इसमें ब्लूटूथ है ही है, इसकी काफ़ी रेंज है। हमने मंगाया था वो था 16 वॉट का, और अब जो मैंने मंगाया है वो है 20 वॉट्स का। तो भाई ऑब्वियसली साउंड में अच्छी क्वालिटी है, तो बड़े बड़े स्पीकर ले आने से अच्छा छोटे से स्पीकर को मेरा ले आ सकते हैं। वैसे भी मैं ट्रैवलिंग काफ़ी करता हूँ, तो मेरे तो मेरा काम आने वाला है, कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी ले जाओ। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी अगर ब्लूटूथ से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी जानना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो है ही है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा हो गई, तो वो भी मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से चलते हैं। And we'll grow in number, fueled by